मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आपने भी अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि चेहरे पर चमक लानी है तो बर्फ लगाओ। हो सकता है आपने कुछ लोगों को ऐसा करते हुए भी देखा हो। कम ही लोगों को पता होगा कि चेहरे पर बर्फ लगाने से डार्क सर्कल दूर हो जाते हैं और चेहरा हमेशा तरोताज़ा बना रहता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप लगाना पसंद नहीं है तो आपको नियमित रूप से बर्फ का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से चेहरा हमेशा फ्रेश बना रहता है और यही नहीं, बर्फ आपकी स्किन के लिए एक बेहतरीन टोनर का भी काम करता है, साथ ही साथ ये दाग धब्बों को भी दूर कर देता है। हालांकि बर्फ को अप्लाई करने के दौरान इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि आपकी त्वचा सीधे बर्फ के संपर्क में ना आए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा ठंड से त्वचा लाल हो सकती है, इसीलिए आप एक मुलायम कपड़े में बर्फ को लपेटकर अपनी स्किन पर चारों ओर गोल गोल घुमाएं। हाँ, एक और ख़ास बात, अगर आपको कहीं लंबे वक्त के लिए जाना हो और आप चाहते हैं कि आपका मेकअप ज़्यादा वक्त तक टिका रहे तो मेकअप करने से पहले बर्फ अप्लाई कर लें। बर्फ अप्लाई करने के बाद चेहरे को मुलायम कपड़े से सुखा लें और इसके बाद मेकअप लगाएं। इस नुस्खे के बाद लगाया गया मेकअप लंबे वक्त तक बना रहता है। चेहरे पर बर्फ लगाने से चेहरा सौम्य और शीतल बना रहता है, साथ ही ये सनबर्न में भी राहत देता है। अगर आप टैनिंग की समस्या से जूझ रहे हैं तो भी ये एक कारगर उपाय हो सकता है। दिन भर में एक बार भी ऐसा कर लेना बेहद फायदेमंद होता है। अगर आपको थ्रेडिंग कराने में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो तो आप बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रेडिंग कराने से पहले आईब्रो के ऊपर और आसपास बर्फ मल लें। पानी को हल्के से साफ करने के बाद थ्रेडिंग कराएं। आपको पहले के मुकाबले में बहुत कम दर्द होगा, साथ ही थ्रेडिंग या वैक्सिंग कराने के बाद लाल पड़ चुकी त्वचा पर भी बर्फ मलना बेहद अच्छा होता है। ग्लोइंग फेस के लिए भी आपको बर्फ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। चेहरे पर बर्फ लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिससे चेहरे पर चमक आती है, साथ ही ये रिंकल और बढ़ती उम्र के निशान कम करने में भी बेहद मददगार होता है। अगर आपको बेहतर परिणाम चाहिए तो आप फ्रूट जूस को आइस क्यूब ट्रे में डालकर जमा लीजिए और फिर उसे चेहरे पर अप्लाई कीजिए। वैसे डार्क सर्कल के लिए भी आइस क्यूब बहुत अच्छे होते हैं। माना कि आंखों के नीचे का कालापन दूर करने के लिए तमाम तरह के प्रोडक्ट बाजार में मौजूद हैं, पर आप चाहें तो बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कारगर तो होता ही है, साथ ही इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। अगर आपको बेहतर परिणाम चाहिए तो आप ये कर सकते हैं कि खीरे के रस और गुलाब जल को आइस क्यूब ट्रे में डालकर जमा लें और फिर इसका इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से डार्क सर्कल की समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि मुहासों को दूर करने के लिए आइस क्यूब किस तरह फायदे पहुंचाती है। दरअसल जब चेहरे पर मुहासे की शुरुआत हो, यानी कि वो हल्का हल्का लाल हो, तो उस पर आप बर्फ अप्लाई करें। अगर आपको और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम चाहिए तो आप नीम या पुदीने की पत्तियों को उबाल कर उस पानी को आइस क्यूब ट्रे में डालकर जमा सकते हैं। इससे मुहासे बढ़ेंगे नहीं और चेहरा भी साफ हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि किस तरह आइस या फिर आइस फेशियल आपकी त्वचा को ना सिर्फ ग्लो देते हैं बल्कि बेदाग भी बनाते हैं। ये बेहद ही आसान और कारगर उपाय होते हैं। इन उपायों को अपनाने के लिए ना ही आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे, ना ही धूप में बाजार के चक्कर लगाने होंगे। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और जाहिर सी बात है, सुंदर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और इस मेहनत के बाद जो परिणाम आएंगे वो आपका दिल खुश कर जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये नुस्खे आपको बेहद पसंद आए होंगे। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ ऐसे ही कारगर नुस्खों के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।